पिछले दिन ही सर्दी के मौसम विच ठंड तो बचने लिए लोगों वालों गर्म कपड़े अते रजाइयां दा इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्थे ही घनी धुंध नाल लोगों नूं सफर करना भी मुश्किल हो रहा है। फरवरी महीने के आखिरी दिनों विच भी गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिता है। लोगों वालों कहा गया कि फरवरी के आखिरी दिनों विच ठंड सवेरे अते शाम की हो रही है, दोपहर के मौसम विच तब्दीली होने ते गर्मी महसूस हो रही है। गर्मी महसूस होने ते लोगों वालों गर्म कपड़े उतार दिते जाते हैं। गर्मी लगन ते कई लोग तो पखे का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि खतरनाक साबित होता है। गर्म सर्द होने ते तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस नाल किसी अच्छे डॉक्टर का सहारा लेना पैंदा है। उत्थे ही लोगों वालों ये भी दसिया गया कि पंजाब दे विच बिजली बोर्ड वालों बिजली की लापरवाही बरती जा रही है। तुसीं शहरां दी सड़कां गलियां दे मोहल्ले विच दिन दे समय स्ट्रीट लाइटां जगदियां तुसीं देख सकते हो। कॉलोनाइजर वालों भी कलोनी कट्टण तो पहला ही सीवरेज लाइटां दे खंभे लगा के लाइटां जगदियां दिखा के लोगों के आराम की गल कह के प्लॉट की विक्री कर बेचते हो, पर जगदियां लाइटां दिखा के चूना तो सरकार नूं ही लगता है। आने वाली गर्मियों में लोगों वालों एसी पखे की वरतों ज़्यादा की जाती है, उस समय बिजली पूरी नहीं पैंदी, उस समय वड्डे वड्डे कट देखण नूं जरूर मिलणगे। और जानते हैं ये कहानी लोगों की जबानी। हाँ देखो, इस तरह है कि पहला आप देखते होंगे सके कि जनवरी फरवरी ठंड पूरी होंगी सी, हूँ ग्लोबल वार्मिंग है, एसी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कारा सारिया एसी आ गई, वो करके ग्लोबल वार्मिंग करके आप देखते हैं रूटीन दे विच के फरवरी दे विच देखो इस वेले दिन के टाइम टेंपरेचर कितना ज़्यादा होना शुरू हो गया। अगे दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दी मैक्सिमम होंगी सी, यूजली सवेर का और शाम का टेंपरेचर ठीक है, पर दोपहर के टाइम तो गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस तरह अगर टेंपरेचर चेंज हों लोग सवेरे सर्दी महसूस करते हैं, राति सर्दी महसूस करते हैं, दोपहर कपड़े उतार देंगे, गर्म कपड़े उतार देंगे, वो फिर सडनली लोगों की हेल्थ उत्ते इफेक्ट पैंदा, लोग खांसी रेशा तो ज़्यादा केसिज आते साडे कोल, बहुत ज़्यादा केसिज खांसी रेशा जुकाम दे आ रहे अजकल, वैदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन ज़्यादा होने करके लोगों को वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं समझता कि लोगों को अपना ध्यान इस बारे बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। जिस हिसाब मौसम चेंज हो रहा कितने कितने जी बच्चों का इफेक्ट ज़्यादा पैदा या बजुर्गों से ज़्यादा, दोनों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैंता, सह लैन की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों तो यूजली खांसी रेशा जो दिन के टाइम तो टैंपरेचर ज़्यादा होंगे, सवेरे और शामी टैंपरेचर घट है, वो करके वो बच्चों में समस्या आती है। बुजुर्गों को ग्लोबल वार्मिंग करके जो अजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, पोल्यूशन करके बुजुर्गों को सह लैन बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी है, और उन्होंने मैं तो कहना बुजुर्गों और बच्चों को खास ध्यान रखना चाहिए इस मौसम। डॉक्टर सर पोल्यूशन की तुम गल की जी कि असं मौसम भी बाहर देख रहे हैं इस टाइम के उत्ते गले के खराश जी पैदा हो गई है, पोल्यूशन करके है या मौसम की तब्दीली करके है? मौसम की तब्दीली एक बहुत घट फैक्ट है, ये मौसम की तब्दीली आप एक बहाना कहेंगे, ज़्यादातर पोल्यूशन का हाल है। तुम पोल्यूशन का टाइम देखो, तो मैं तो खुद अपने आप लगाया होया पोल्यूशन कंट्रोल करने अपने पोल्यूशन का तो ध्यान देना ही पेगा, जी आने वाली अपना जनरेशन बचाना अगर तो पोल्यूशन वाल तो अपन मेन ध्यान देना पेगा। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है अपने शहर, देखो गंदगी का की हाल है, इस ये मेन कारण असी लोग हैं, होर कौन है, असी गंदगी फैलाने, आप सफाई रखिए, आप सारा कुछ ठीक रखिए, ये हाल ही ना हो, हाल है शहर का देख लो अपने सामने है, किसी को कहने की लड़ नहीं है, सब जानते सब जानते। एक गल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जी कि बिजली लैके जी कि खपत अगर बढ़ भी सकती है, की कहना चाहोगे बिजली के उत्ते? देखो मैं तुम्हें पहला भी अर्ज की है ही कि एक तो टैंपरेचर डे बाय डे इनक्रीज हों जा रहा, और इस बारे भी साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम के गर्मी ज़्यादा पेगी। जो गर्मी ज़्यादा पे सी एसी ज़्यादा चलेंगे, कारा चलन गया उन्होंने एसी ज़्यादा चलेंगे, और टैंपरेचर होर ज़्यादा हाई जाएगा। ये तो हूँ साढ़े लोगों से डिपेंड करता ना, अगर आप सफाई रखा सारा अपने आप को मेनटेन रखा तो अगे जाने की समस्या नहीं आएगी, नहीं तो साड़ी जनरेशन तो औखी होगी आने वाली। कोई लोगों को मैसेज देना चाहूँगा? मैसेज मैं यही देना चाहवागा जी, देखो एक सब तो पहले पोल्यूशन तो अपन बचना चाहिए, और गंदगी ना फैलाओ, सफाई रखो। लोग जाते हैं सड़क उत्ते गुटका खाते हैं, कागज उत्ते सट देंगे, किसी को परवाह ही नहीं इन्होंने चीज़ों की, जिते जो खाधा उत्थे सट दिता, कोई परवाह ही नहीं है किसी को। अगर आप सफाई रखा अपने देश में नीट एंड अपने शहर में नीट एंड क्लीन रखा हरियाली रखा इतने तो सडनली आने वाला टाइम जाने की अपने लिए काफ़ी हद तक सुखद रहेगा, नहीं तो मुश्किल ही मुश्किल है। भाई जी मौसम जरा सवेरे शाम की बहुत मतलब ठंड महसूस होंगी है, जिदा कंबल लैके सोना पैंता है,
तो दोपहर एकदम गर्मी हो जाती हैगी है, वो कपड़े भी ला दो एकदम पसीना पसूना जान लग जाता है। ये करके ना वायरस एक बहुत मतलब बीमारियां चल रही है, गले में भी फट रही है, खांसी हरेक घर घर खांसी बुखार, ये बहुत वायरस चल रहा है। किस कारण लगता है, मौसम करके लग रहे हैं या सर? सर कुछ प्रदूषण करके है, ज़्यादातर मौसम करके है कि एकदम जो मौसम तब्दीली हो रही हैगी है, राती ठंड हो जाती है, दिनों दोपहर एकदम गर्मी हो जाती हैगी है, इस करके ना बहुत ज़्यादा वायरस एक महसूस हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा जी खंघ जिन हो रही है द्वारा ठीक नहीं हो रही छेती, खंघ और रेशा जुकाम ये बहुत आम बहुत ज़्यादा चल रहा है। सर ज़्यादातर ना बुजुर्गों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैगी है, बुजुर्गों और बच्चों ये ज़्यादा मतलब वायरस जकड़ रहा है, तो सेफ कदा इलाज तो यही है कि अपना केयर करो कि एकदम कपड़े ना उतारो, कि एकदम जिदा पापा गर्मी लगती है कपड़े उतारन लग जाने हैं, वो मतलब काम ना करो, बिल्कुल आराम नाल अपने जिंदगी बतीत करो। और कोशिश जल्दी तो जल्दी करें कि जो अच्छे डॉक्टर हाँ मतलब अच्छे डॉक्टर दिखाओ कि अपनी जल्दी जल्दी केयर होए अपनी, क्योंकि लापरवाही ना करो इस काम के, क्योंकि लापरवाही की तो वायरस ना लंबा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है। एक बिजली उत्ते की कहना चाहूँगा, जिस तरह इलेक्ट्रिक बिजली उत्ते की कहने अगर जो आने वाले टाइम के बिजली की कटौती हो सकती है या मतलब ज़्यादा यूज हो सकती है? सर हाँ अगले आने वाले टाइम के बिजली की कटौती ज़्यादा होने के चांसेज है, क्योंकि जगह जगह एसी लग रहे हैं, हरेक घर पहले एसी नहीं होते, पखे लग रहे हैं, हम वो करके ना बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ गई हैगी है, पिछों कोला भी घट आ रहा है, तो इस करके ना बिजली की खपत ज़्यादा कट लगन के बहुत ज़्यादा चांसेज है, इस करके ना थोड़ा जहा आप थोड़ा जहा केयर करनी पैनी इस टाइम मिलना चाहिए सानू, किसी माड़े डॉक्टर को नहीं जाके अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए जो अपनी तबीयत खराब होंगी है, क्योंकि यह जो वायरस खांसी वाला आ बहुत बुरा बच्चों के सीधा छाती में पै रहा है। एक गल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिदा मतलब आने वाले टाइम फर्क पेगा? आने वाले टाइम तो सर प्रदूषण तो बहुत फैलना है, हीट फैलेगी, आटो होर चल रहे हैं उन्हां करके ए सी चलने, उन्होंने हीट फैलनी है, मौसम ये आने वाले टाइम गर्मियों बिजली का कितना असर पड़ेगा? बिजली का बहुत खपत होनी है, हूँ जो फरवरी ची पहली बार यह ऐसो जो टाइम आया है कि पहली बार फरवरी च इन्नी गर्मी देख रहे हैं, तो वो हीट कूलर चलन गए ए सी चलू गए बिजली ज़्यादा खपत होएगी। सुझाव देना चाहते लोगों बचाओ वास्ते? लोगों बचाओ वास्ते यही है कि अपना ध्यान रखना, गर्मी जे दोपहरे एकदम कपड़े जिदा उतार देंदे शरीर गर्म हो जाता, आप कपड़े उतार दें और नाल ही पसीना आता गर्म सर्द होंगे बीमार होने के होर ज़्यादा चांस है। अच्छे डॉक्टर मिलन, उन्होंने दवाई लैन, बाकी है कि अपनी सेहत का पहला ध्यान रखें। तो यह गल कह रहा भी जिदा यह मौसम जल्दी से जल्दी बदलता, अगे तो मार्च के महीने जाके मौसम चेंज हों, ऐतकी पहले ही मौसम चेंज हो गया जिदे करके मौसम च तब्दीली आन करके लोगों ने जल्दी ही अपने स्वैटर जोड़े आ उतार दते हैं, जिदे करके गर्म सर्द जल्दी हो भी सकता कोई ना कोई, तो खांसी जुकाम की शिकायत रह सकती है। दूसरा इधर बार आटो इन्ने चलते है, प्रदूषण इन्ना फैल रहा वा, डस्ट इन्नी उड़ रही है, और पुल भी इधरों बन रहे हैं वो भी डस्ट उड़ रही है, और जड़े अपना कूड़ा करकट वो जला रहे हैं वह भी मतलब प्रदूषण बहुत ज़्यादा लुधियाने शहर फैलता जा रहा वा, जिदे करके लोगों की तबीयत बद तो बद ज़्यादा खराब हो रही है, तो इस करके ये थोड़ा जहा कंट्रोल होना चाहिए वा कि कूड़ा साड़िया ना जाए, तो प्रदूषण किसी ना किसी तरीके रोकया जाए। एक डॉक्टर साहब नवी जी बीमारी लग रही है लोगों के गले के खराश जी है पैदा हो रही है, पोल्यूशन करके हो रही है, मौसम करके मौसम करके भी हो रही है, दूसरा पोल्यूशन करके भी हो रही है जी, फैक्ट है कोई अच्छे डॉक्टर मिलकर दवाई लेनी चाहिए? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, तो अपने सेहत का ध्यान रखो, तो फिर भी जिदा का मौसम है तो घरों निकल लगे थोड़ा मास्क भी पा लिया कर, जिदा हूँ आप सवेरे घरों तैयार होकर निकलते हैं तो इन्ना क डस्ट उड़ रही है कि शाम को घर जाके ना इदा लगता भी जी सवेरे शक्ल निकली सी ना शाम नज़र नहीं आती शक्ल, हाँ जी तो चेहरा कुछ होर ही होया होंगे लुधियाने के कारण ही है जी। कलोनिया बनिया हुई
उन्होंने उन्होंने लोगों को लालच देंगे ने कि असी ना थोड़े बिजली की फिटिंग दे रहे हैं सारा कुछ इदा इदा करके खंभे लवा रहे हैं लाइट दे रहे हैं फैसिलिटियां दे रहे हैं तो जिदे करके वो लाइटा जिहड़ियां दिन रात जग रही ने तो हुण जिदा मौसम भी बदल रहा वा तो लोग हुण कई लोग पखे भी चला रहे हैं तो ये करके आने वाले टाइम के लोगों ने वो तो कोई ए सी चला रहा बिजली की ज़्यादा खपत हो रही है तो लाइटा जिहड़ियां हुण सड़क पर भी है वो दिन रात चल रही ने तो दिन रात चलन के करके तो कोई उस वाल केयर नहीं कर रहा तो जिदे करके बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है तो जिदे करके सरकार का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा वा ये कितने ना कितने ये कह सकते हैं बिजली विभाग जो नलायकी बिजली विभाग की नलायकी देखी जा सकती कह सकते हैं जी जब केयर नहीं करे तो फिर नलायकी तो मनी ही जा सकती है ना जिस तरह खपत जी बाहर ट्रांसफर से बिजली और लोगों को लालच दिता जा रहा है और बिजली वेस्टेज जा रही है सरकार का नुकसान हो रहा ये की कहना चाहते हैं भगवंत मान साहब भगवंत मान साहब ये कहने भी अपने इंपलोई जोड़े है उन्होंने जरा शिकंजा कसो ताकि वो टाइम के नाल ना अपने हर मतलब ये नहीं भी अपना क आण के रजिस्टर से साइन किए तो अपने घर जाके बह गए तो आ ड्यूटी पर आ के सब पासे अपना ईमानदारी ना काम करन अपने इंपलोइया ये कहना।